हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे जीवन प्रमाण पत्र के बारे में, ये क्या है और कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे इधर पेंशनधारी है, जो लोग रिटायरमेंट हुए हैं गवर्नमेंट सर्विस से, उन्हें जो पेंशन मिल रही है, सारा प्रोसेस दोस्तों इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको दोस्तों कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार जो भी भाई बहन फर्स्ट टाइम इस मेरे चैनल पर आए हुए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पर अपलोड करें दोस्तों आप तक उसे उसका नोटिफिकेशन ईजिली पहुँच सके। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जीवन प्रमाण पत्र के बारे में, जो क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका हमें क्या बेनिफिट है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल में ये आपको समझाऊँगा। अगर आप इसे खुद भी अपने मोबाइल फ़ोन से घर पर भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों आप ईज़िली कर सकते हो, आपकी कहीं भी जाने की लोड़ नहीं है। ठीक है, तो अगर जो सीएससी भाई जी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास सीएससी सेंटर है, जो फ्रेश है ना सीएससी वाले हैं, तो जिन्होंने न्यू आईडी ली है, वो इस वीडियो को प्लीज़ जरूर देखिएगा। आप सीएससी सेंटर में पोर्टल ओपन करके भी आप इसके थ्रू भी उनका जीवन प्रमाण पत्र का सारा बायोडाटा फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको अपना गूगल ओपन करना होगा, अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेनी है, और ओपन कर लेने के बाद आप अपना जहाँ पर सर्च बॉक्स पर टाइप करोगे जीवन प्रमाण और क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होगा। कई बार ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये वेबसाइट मोस्टली बिजी होती है, आज तो चलो जल्दी खुल गया। तो जो थर्ड नंबर पर ऑप्शन आई हुई है जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, आप जहाँ पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर। डियर वैली, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट यू कैन क्रिएट द जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट फ्रॉम सीएससी पोर्टल, देयर इज नो सर्विस फीस फॉर क्रिएशन ऑफ जीवन प्रमाण। दोस्तों जस्ट जे आप अगर कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टू यूज द सर्विस काइंडली प्लग इन इंस्टॉल द वन आधार रजिस्टर्ड डिवाइस इन योर लैपटॉप और पीसी। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, तो उसके बाद फिर एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, इसको एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप किसी सीएससी सेंटर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका ईजिली फिल कर देगा, क्योंकि उनका जो रेगुलर का काम है वो ईजिली कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले डिवाइस टाइप रहेगी, आपके पास जो भी डिवाइस है, आईरिस है और फिंगरप्रिंट है, मान लीजिए मेरे पास तो फिंगरप्रिंट है। ठीक है, तो मेरे पास जो भी डिवाइस है, मेरे पास मंत्रा है, मैंने वो लिख दिया। आपके पास जो भी है, मोरपो जो भी है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर वो उस डिवाइस का मॉडल नंबर क्या है, जैसे मेरे मंत्रा का MS 100 मेरे पास है। ठीक, तो जहाँ पर आप दोस्तों अपना डिवाइस का सीरियल नंबर लिखो, कि मैं जस्ट फॉर एज ए एग्जाम्पल कि आपको समझा रहा हूँ, रफली नंबर लिख रहा हूँ, वो सीरियल नंबर डिवाइस कहाँ पर लिखा होगा, आपके पास जो भी मंत्रा डिवाइस है या मोरपा है उसके बैक साइड में लिखा होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डिवाइस अगर बहुत मान लीजिए पुरानी हो चुकी है, ठीक, तो कई बार जो पीछे नंबर लिखा होता है ना सीरियल नंबर, वो मिट जाता है ना, हमें दिखता नहीं है, तो आप वो कैसे ढूंढ सकते हो। जब आप अपने पीसी में इंस्टॉल करते हो ना डिवाइस, तो ऊपर टेस्टिंग में जाकर देखेगा, आपका डिवाइस नंबर वहां पर भी लिखा आ जाएगा, तो आपको उसको कॉपी करके जहां टाइप कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद जहां तो जो भी अप्लाई कर रहा है सीएससी वाला, जहां पर हमारी पोर्टल अपने आईडी रहेगी सीएससी की, और जहां पर आप कस्टमर का नेम लिखेंगे जिनका भी फिल करना है, जहां पे उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, और उसके बाद जहां पर हमें कस्टमर का मेल आईडी लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा वो किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, और जहां पर लोकेशन लिखनी होगी जो भी उनकी है, पिन कोड और एड्रेस। और दोस्तों इस जो नीचे लिखा है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था मुझे पहले, तो वो पूछ रहे थे भी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में जहां पर हमें मतलब भी हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले तो अगर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास एक प्ले स्टोर पर जाकर आपको लिखना होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड,
और आपके पास एक ग्रीन कलर का आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आपको पीसी पर समझाऊंगा पीसी पर कैसे करूं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। मैं उसकी अलग से वीडियो एक बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको फ़ोन पे वो सॉफ्टवेयर कैसे ना सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको पीसी पर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप गूगल को जाइए, गूगल पर आप टाइप करिएगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ माई लोकेशन, आ चुका है। तो जहाँ पर जो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फाइंडर ऑन मैप एंड गेट कोऑर्डिनेट्स, जहां पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद ऐसा आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको यहां सिर्फ यहां पर दोस्तों टाइप करना है जो भी आपकी सिटी है, ठीक है। अगर सिटी का नेम भी डाल सकते हो, पिन कोड भी डाल सकते हो, अपना स्टेट भी डाल, जो भी आप है ना आपके नियरेस्ट आपको लगता है कि मैं जहां पर रहता हूं, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप फाइंड पर क्लिक करिएगा, और फाइंड पर क्लिक करने के बाद ये आपका लैटिट्यूड नंबर है, जे वाला आपका लैटिट्यूड नंबर है, जे वाला लॉन्गिट्यूड। आप लैटिट्यूड को कॉपी करिएगा और जहाँ पर लैटिट्यूड को पेस्ट कर दीजिएगा, फिर जहाँ पर लॉन्गिट्यूड को कॉपी कीजिएगा तो लॉन्गिट्यूड को जहाँ पर पेस्ट कीजिए, बस दोस्तों इतना सा काम है। तो जहाँ पर आप अपना कैप्चा फिल कर सकते हो, और कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों जस्ट आपको जहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा, और सबमिट बाद जस्ट सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो मैं आज किसी का फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आएगा आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया जीवन प्रमाण, क्योंकि ये जो जीवन प्रमाण पत्र होता है ये मतलब हमें साल में सिर्फ एक बार ही, हर साल मतलब इसे हमें रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। इसमें वो गवर्नमेंट जाँचती है अभी जो भी हम जिस भी आदमी को पेंशन दे रहे हैं वो अभी मतलब वो आदमी जिंदा है, कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो चुकी, इसलिए ये जीवन प्रमाण पत्र हर साल उनको हमें शो करवाना पड़ता ताकि वो हमें हमारी ऐसे ही पेंशन हमें रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ऐसा कस्टमर मेरे पास आऊगा तो मैं आपको लाइव भी ये सारा कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके नेक्स्ट एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आप कस्टमर का जो एक ना वो पेंशनर नंबर होता है उनके पास रसीदे होती है, क्योंकि वो रेगुलर पेंशनर ही है, वो सेम आपको वहाँ पर टाइप कर देना होगा वो नंबर। तो उसके बाद अगर आधार कार्ड की डिटेल मांगेगा आप वो मेंशन कर दोगे, आपके पास जो भी डिवाइस है मंत्रा फिंगरप्रिंट टाइप क्लिक करके आप उनके वो उनका वो भी है फिंगरप्रिंट वगैरह भी ले लोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा व्यू एंड प्रिंट, ठीक है। अब व्यू प्रिंट करके आप उनके नेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड, आप डाउनलोड कीजिएगा। तो आप दोस्तों वो डाउनलोड करके उनके प्रिंट करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हो, ठीक है। बस इतना सा दोस्तों काम है, इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी घर से भी अप्लाई कर सकते हो, सीएससी सेंटर से करना चाहते हो तो वहाँ से करवा लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर फिर भी दोस्तों इतनी वीडियो देखने बाद आपके मन में फिर भी जहाँ किसी भी प्रकार का ना कोई डाउट आ रहा हो या मुझे कैसे करना आपको नहीं पता चलता है, या किसे जहाँ आपको मतलब कौन सी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करते वक्त, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई दूँ, ठीक है दोस्तों। तो तब तक दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लग गई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पर अपलोड करें वो दोस्तों आप तक उसका नोटिफिकेशन ईजिली पहुँच सके, ठीक है। तब तक दोस्तों हमें इजाज़त दीजिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक दोस्तों धन्यवाद।